मित्रों आ वीडियो विद्यार्थियों ने विज्ञान विषयक पायानु ज्ञान मळी रहे एटले के तेमना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थाय ते माटे छे। 4.8 अवरोधोना जोड़ाण। विद्यार्थी मित्रों तमे तमारो पॉकेट रेडियो खोलीने जोयो छे, तमने तेमा अनेक अवरोधो एक बीजा साथे जटिल रीते जोड़ायेला देखाशे। आ अवरोधो उपकरण मां आवेला जुदा जुदा परिपथ मां प्रवाहनुं नियंत्रण करे छे। आ माटे क्यारेक मोटा अवरोध अथवा नाना मूल्यना अवरोधनी जरूर पड़े छे। आ इच्छित अवरोध आपणे केटलाक अवरोधोनी श्रेणीमां अथवा समांतरमां अथवा केटलाक अवरोधोनी श्रेणी अने समांतर बन्नेमां जोड़ी मेळवी शकीए छीए। अहीं आपणे अवरोधना श्रेणी जोड़ाण अने समांतर जोड़ाण विषे विस्तृत अभ्यास करीशुं। एक अवरोधोनुं श्रेणी जोड़ाण। परिपथना बे बिंदुओ वच्चे एक करता वधु अवरोधोने एवी रीते जोड़वामां आवे छे कि जेथी दरेक अवरोधमांथी पसार थतो विद्युत प्रवाह समान होय अने तेने वहेवा माटे फक्त एक ज मार्ग उपलब्ध होय, तो ते अवरोधो ते बे बिंदुओ वच्चे श्रेणीमां जोड़ेला छे तेम कहेवाय। आकृति 4.8 मां त्रण अवरोधो R1, R2 अने R3 ने बिंदु A अने B वच्चे श्रेणीमां जोड़ेला दर्शाव्या छे। अहीं दरेक अवरोध R1, R2 अने R3 मांथी वहेतो प्रवाह I समान छे, परंतु बेटरीनो कुल वोल्टेज V अवरोधोना मूल्य प्रमाणे वहेंचाय छे। R1, R2 अने R3 अवरोधो परनो वोल्टेज ड्रॉप अनुक्रमे V1, V2 અને V3 હોય તો V=V1+V2+V3। હવે પરિપથમાં આ ત્રણ અવરોધોને બદલે જો એક એવો અવરોધ R જોડવામાં આવે કે જેથી પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ I જેટલો જ રહે, તો R ને પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ કહેવાય। સમતુલ્ય અવરોધ માટે V=IR। ઓહ્મના નિયમ અનુસાર R1 पर नो वोल्टेज ड्रॉप V1=IR1, R2 पर नो वोल्टेज ड्रॉप V2=IR2, R3 पर नो वोल्टेज ड्रॉप V3=IR3। समीकरण 1, 2 अने 3 पर थी IR=IR1+IR2+IR3। 4. I=R1+R2+R3। આ ઉપરથી કહી શકાય કે શ્રેણીમાં જોડેલા બધા જ અવરોધોનો ભૌતિક સરવાળો કરવાથી તેમનો સમતુલ્ય અવરોધ R મળે છે। અવરોધોના શ્રેણી જોડાણ માટે આપણે કેટલીક બાબતો નોંધી લઈએ। 1. આ પ્રકારના જોડાણમાં પરિપથના દરેક અવરોધોમાં વહેતો પ્રવાહ સમાન હોય છે। 2. શ્રેણીમાં જોડેલા બધા અવરોધો પરનો કુલ વોલ્ટેજ ડ્રોપ દરેક અવરોધ પરના વોલ્ટેજ ડ્રોપના સરવાળા બરાબર હોય છે। 3. આ પરિપથના સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય પરિપથમાં રહેલા મોટામાં મોટા અવરોધ કરતા વધુ હોય છે। ઉદાહરણ 8. જો 12 વોલ્ટની બેટરીને એક 20 ઓમેગા અવરોધવાળા બલ્બ સાથે જોડી પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય 0.5 એમ્પિયર જેટલું રાખવું હોય, તો બલ્બ સાથે કેટલા મૂલ્યનો અવરોધ શ્રેણીમાં જોડવો જોઈએ? આ બલ્બના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેટલો હશે? સ્કેલ આ બલ્બની શ્રેણીમાં જોડેલા અવરોધને R1 અને બલ્બના અવરોધને R2 કહીએ તો વિદ્યુત પરિપથ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબનો થશે। V=12 વોલ્ટ, I=0.5 એમ્પિયર, R2=20 ઓમેગા, R1=?  ઓહ્મના નિયમનો ઉપયોગ કરતા R=V/I=12/0.5=24 ઓમેગા। અહીં બલ્બ અને અવરોધ શ્રેણીમાં જોડેલા હોવાથી પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ R=R1+R2। R અને R1નું મૂલ્ય સમીકરણ 1 માં મૂકતા 24=20+R2। 4. R2=24-20=4 ઓમેગા। હવે બલ્બના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ V2=IR2=0.5×4
इज इक्वल टू 2 वोल्ट। बी अवरोधो नु समांतर जोड़ाण। परिपथ ना बे बिंदुओ वच्चे एक करता वधु अवरोधो ने एवी रीते जोड़वामां आवे कि जेथी विद्युत प्रवाह ने वहेवा माटे एक करता वधु मार्गो उपलब्ध होय अने दरेक अवरोध ना बे छेड़ा वच्चे नो वोल्टेज ड्रॉप समान होय तो ते बे बिंदुओ वच्चे अवरोधो समांतर मां जोड़ायेला छे तेम कहेवाय। आकृति 4.10 ए मां त्रण अवरोधो R1, R2 अने R3 ने बिंदुओ A अने B वच्चे समांतर जोड़ेला दर्शाव्या छे। अहीं अवरोधो ना एक तरफ ना छेड़ाओ एक सामान्य बिंदु A अने बीजी तरफ ना छेड़ाओ बीजा सामान्य बिंदु B साथे जोड़ेल छे। अहीं बिंदु A आगळ विद्युत प्रवाह I ना त्रण भाग पड़े छे। दरेक अवरोध माथी वहेतो प्रवाह ते अवरोध ना मूल्य पर आधारित छे। धारो के अवरोध R1, R2 अने R3 माथी वहेतो विद्युत प्रवाह अनुक्रमे I1, I2 अने R3 छे। आ विद्युत प्रवाह नो कुल सरवाळो परिपथ ना कुल विद्युत प्रवाह जेटलो थाय छे। पोर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समांतर जोड़ेला दरेक अवरोध पर नो वोल्टेज ड्रॉप बैटरी वोल्टेज V जेटलो ज होय छे। आथी ओम ना नियम अनुसार I1 इज इक्वल टू V अपोन R1, I2 इज इक्वल टू V अपोन R2 अने I3 इज इक्वल टू V अपोन R3। समीकरण 4.8.7 परथी I इज इक्वल टू V अपोन R1 प्लस V अपोन R2 प्लस V अपोन R3। आ त्रणे अवरोधो ने बदले आ परिपथ मां एक अवरोध R एवो जोड़वामां आवे जेथी परिपथ माथी वहेतो प्रवाह I जेटलो ज रहे। I इज इक्वल टू V अपोन R। पोर V अपोन R इज इक्वल टू V अपोन R1 प्लस V अपोन R2 प्लस V अपोन R3। पोर 1 अपोन R इज इक्वल टू 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2 प्लस 1 अपोन R3। अहीं अवरोध R ने आ त्रण अवरोधोना समांतर जोड़ाणनो समतुल्य अवरोध कहेवाय छे। अवरोधोना समांतर जोड़ाण माटे नीचेनी बाबतो नोंधी लईए। 1. समतुल्य अवरोध R नो व्यस्त दरेक अवरोधना व्यस्त मूल्યોના સરવાળા બરાબર હોય છે। 2. દરેક અવરોધો પરનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ સમાન મળે છે। 3. દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતા પ્રવાહનો સરવાળો કુલ પ્રવાહ જેટલો મળે છે। 4. સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય એ સમાંતર જોડેલા અવરોધોમાંના નાનામાં નાના મૂલ્યના અવરોધ કરતા નાનું મળે છે। ઉદાહરણ 9. ત્રણ અવરોધોને 30 વોલ્ટની બેટરી સાથે સમાંતરમાં જોડેલા છે। બેટરીમાંથી 7.5 એમ્પિયરનો વિદ્યુત પ્રવાહ પરિપથમાંથી પસાર થાય છે। જો બે અવરોધોના મૂલ્યો 10 ઓમેગા અને 12 ઓમેગા હોય તો ત્રીજા અવરોધનું મૂલ્ય શોધો। ઉકેલ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 વોલ્ટ, I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7.5 એમ્પિયર, R1 इज इक्वल टू 10 ओमेगा, R2 इज इक्वल टू 12 ओमेगा, R3 इज इक्वल टू ?? परिपथनो समतुल्य अवरोध R इज इक्वल टू V अपोन I इज इक्वल टू 30 अपोन 7.5 इज इक्वल टू 4 ओमेगा। हवे R1, R2 अने R3 समांतर जोड़ेला छे। आथी 1 अपोन R इज इक्वल टू 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2 प्लस 1 अपोन R3। 4. 1 अपोन R3 इज इक्वल टू 1 अपोन R माइनस 1 अपोन R1 माइनस 1 अपोन R2 इज इक्वल टू 1 अपोन 4 माइनस 1 अपोन 10 माइनस 1 अपोन 12 इज इक्वल टू 15 माइनस 6 माइनस 5 अपोन 16। 4. 1 अपोन R3 इज इक्वल टू 1 अपोन 15। 4. R3 इज इक्वल टू 15 ओमेगा। ઉદાહરણ 10. નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથ માટે બિંદુ A અને B વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો તેમજ બેટરીમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ I શોધો। આકૃતિ 4.12 ના વિભાગ A માં દર્શાવ્યા મુજબ R2 અને R3 શ્રેણીમાં છે। આથી તેમનો સમતુલ્ય અવરોધ R' ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 પ્લસ R3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 प्लस 5।
इज इक्वल टू टेन ओमेगा। हवे आर डेश ए अवरोध आर फोर्स साथे समांतर छे। आती तेमनो समतुल्य अवरोध फोर वन अपॉन आर डेश डेश इज इक्वल टू वन अपॉन आर फोर प्लस वन अपॉन आर डेश। उदाहरण 11। बाजूनी आकृति में दर्शावेल विद्युत परिपथ नो बिंदु ए अने बी वच्चे नो समतुल्य अवरोध शोधो। उकेल सौ प्रथम परिपथ में आर वन अने आर टू बन्ने श्रेणी में छे। आथी आर डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स ओमेगा। आज रीते आर थ्री अने आर फोर पण श्रेणी में छे। आथी आर डैश डैश इज इक्वल टू आर थ्री प्लस आर फोर इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स ओमेगा। हवे आर फाइव आर डैश अने आर डैश डैश त्रणे अवरोधो समांतर छे। त्रण अवरोधोना श्रेणी अने समांतर जोड़ाणना फायदा अने गैरफायदा। अवरोधोने श्रेणी में जोड़वाथी परिपथनो कुल अवरोध वधे छे अने तेमा प्रवाहनु मूल्य घटे छे। आम परिपथमां प्रवाहनु नियंत्रण करवा माटे अवरोधोनु श्रेणी जोड़ाण उपयोगी छे। आ उपरांत विद्युत उपकरणों तेमज घरना वीजळी जोड़ाणमां फ्यूजने मेन वोल्टेज लाइन साथे श्रेणीमां जोड़वामां आवे छे। आथी ज्यारे कोई विद्युत उपकरणमां शॉर्ट सर्किट थाय के तरत ज फ्यूज वायर पीगळी जाय छे अने विद्युत प्रवाहने अटकावे छे। परिणामे विद्युत उपकरण ने थतुं नुकसान अटके छे। जो विद्युत उपकरणोने श्रेणीमां जोड़वामां आवे तो परिपथने लागू पड़ेल वोल्टेज वहेंचाई जाय छे। दाखला तरीके 240 वोल्ट पर कार्य करता त्रण बल्बने 240 वोल्ट साथे श्रेणीमां जोड़ता दरेक बल्बने 80 वोल्ट जेटलो वोल्टेज मळे छे। आटला ओछा वोल्टेज पर तेवो पूरती क्षमताथी प्रकाश आपी शकता नथी। श्रेणी में जोड़ेला उपकरणों माथी कोई उपकरण बगड़ी जाए अथवा परिपथ में भंगाण पड़े तो परिपथ में प्रवाह वहेतो नथी अने बाकीना उपकरणों काम करता बंद थई जाय छे। दाखला तरीके श्रेणी में जोड़ेला त्रण बल्ब माथी कोई एक बल्ब उड़ी जाए तो बाकीना बल्ब प्रकाशित थता नथी। परंतु जो आ त्रणे बल्ब ने 240 वोल्ट साथे समांतर जोड़वामां आवे तो त्रणे बल्ब ने 240 वोल्ट जेटलो समान वोल्टेज मळे छे तथा कोई एक बल्ब उड़ी जाए तो बाकीना बल्ब माथी विद्युत प्रवाह वहेवानुं चालू रहे छे अने तेवो प्रकाशित थशे। आम समांतर जोड़ाणमां विद्युत प्रवाहमां भंगाण पड़तुं नथी। आपणा घरमां दरेक विद्युत उपकरणों जेवा के पंखो ट्यूबलाइट टीवी फ्रीज वगैरे 240 वोल्टनी मेन लाइन साथे समांतर जोड़ेला होय छे। अवरोधोना समांतर जोड़ाणमां परिपथनो समतुल्य अवरोध घटतो होवाथी वधु प्रमाणमां विद्युत प्रवाह मेळवी शकाय छे। मित्रों जो पहली वार ESW चैनल विजिट करी होय तो मात्र एक वक्त सब्सक्राइब करो। दरेक वीडियो ने अवश्य लाइक करो। आ पछीना नवा मुद्दा पर जवा माटे नीचेना थंबनेल पर क्लिक करो।